कर्नाटक में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कल शनिवार 4 बजे येदियुरप्पा को फ्लोर टेस्ट साबित करना पड़ेगा, यानी कि बहुमत साबित करना पड़ेगा। और अगर येदियुरप्पा बहुमत साबित कर पाते हैं तो बीजेपी की सरकार वहां पर बनेगी। लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ जानकारी देते हैं कि बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वे कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने पाले में करने में सफल रहेगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि 12 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, जिसमें 8 कांग्रेस के, 2 जेडीएस के और 2 अन्य जो विधायक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये सब कर्नाटक के राजनीति के अंदर इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस जेडीएस अपने विधायकों को लेकर राज्य से बाहर हैदराबाद जा चुकी है और 2 अन्य विधायक जिस पर बीजेपी का दावा है वे कल कांग्रेस के धरने प्रदर्शन में भी दिखाई दिए थे। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को येदियुरप्पा को बहुमत सिद्ध करना होगा तो इतने कम समय में दोनों विधायकों को फिर से अपने पाले में करने में बीजेपी सफल रहती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार हम आपको ये जो पूरा राजनीति का जो कर्नाटक में सरकार बनने का नंबर गेम है वो हम आपको समझा देते हैं। बीजेपी का दावा है कि अगर ये सही साबित होता है तो 12 विधायक पार्टी के पाले में आ जाते हैं तो येदियुरप्पा मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में सफल हो जाएंगे। सीटों के खेलों को आंकड़ों में आप इस प्रकार समझिए कि जेडीएस नेता और विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे कुमार स्वामी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में मौजूदा स्थिति के अनुसार सदन में विधायकों की संख्या 222 में से 221 रह जाएगी, तब कर्नाटक में बहुमत के लिए 111 सीटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास कर्नाटक में 104 सीटें हैं और अगर विपक्ष यानी कि जेडीएस और कांग्रेस के 10 विधायक वोटिंग से गायब रहते हैं तो बहुमत साबित करने के लिए 106 सीटों की जरूरत होगी। अब अगर 2 अन्य विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं तो बीजेपी 106 सीटें का जादुई आंकड़ा पाने में सफल हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का ताजा बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी विधायक उनके साथ हैं और उन्हें 100% भरोसा है कि कल विजयी होगी। कांग्रेस के कन्हैया नेता के मुताबिक उसके सिर्फ 1 विधायक गायब है, बाकी सभी 77 विधायक उनके साथ में हैं। लेकिन कर्नाटक के इस पूरे सियासी दावपेच का असर राजस्थान के अंदर भी पड़ रहा है। प्रदेश के सभी जिलों के अंदर लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जा रहा है जिसके लिए कांग्रेस ने सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है और राज्यपाल का जो संवैधानिक पद है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और कांग्रेस के शहर के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जाकिर हुसैन है, वरिष्ठ पत्रकार क्षितिज गौड़ है और कांग्रेस नेता हमारे साथ विपिन बिसिल है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जाकिर जी, कर्नाटक चुनाव के अंदर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया और जब येदियुरप्पा को राज्यपाल ने सरकार बनाने का आमंत्रण किया तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसे में फैसला आता है कि अब बहुमत साबित करना पड़ेगा। सरकारें आंकड़ों के साथ बनती है या नंबर ऑफ लार्जेस्ट जो पार्टी होती है उस आधार पर बन जाती है? देखिए, डेमोक्रेसी की एक सबसे बड़ी जो बात है ये कि नंबर पे ही सरकार बनेगी। आप मोरालिटी के हिसाब से आपके पास भले ही वोट ज़्यादा हो लेकिन नंबर जब आपका फ्लोर पे नहीं है तो आप सरकार में नहीं रह सकते। ये डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं, इस बात को लेके चर्चा होती है तो ये संविधान की सर्वोच्च सुरक्षा की जो सर्वोच्च जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे नहीं, 2 बजे भी, 3 बजे भी, इससे समय का उस पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट या खिलाफ में कोई काम हो रहा है जहाँ पर जो सबसे बड़ा दल जिसके पास सबसे ज़्यादा MLA का सपोर्ट है अगर आप उसको इनवाइट नहीं कर रहे तो आप राज्यपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके काम किया। मानते हैं कि उन्होंने वैसे कोई कानून नहीं तोड़ा क्योंकि वो अपना विवेक जो है उन्होंने इस्तेमाल किया कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी नंबर ऑफ MLA जो है उसको बुलाया, लेकिन बहुमत जो है वो JDS कांग्रेस के साथ था तो उनको मौका देना चाहिए था। इसके पीछे हम पहले देख चुके हैं, गोवा में उन्होंने किया, मेघालय में उन्होंने किया और मणिपुर में उन्होंने किया, तो जब वहाँ पर किया तो फिर कर्नाटक में अलग से क्यों किया? वहाँ पर भी तो उन्होंने पोस्ट पोल अलायंस को पहले बुलाया, अगर वहाँ पे भी एक आप ये देखिए कि बीजेपी के पास एक स्टेट में तो 2 ही सीटें थी, फिर भी बीजेपी के
साथ सरकार बनी, गोवा में ये माइनॉरिटी में थे बीजेपी, फिर भी सरकार बीजेपी की बनी। तो ये जो दुहाई देना कि साहब लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएंगे, तो ये फार्मूला फिर उनको गोवा में भी अप्लाई करना चाहिए था, दूसरे तीन स्टेट्स, दो स्टेट जो है वहाँ पे जब बीजेपी की सरकार, वहाँ भी करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम बहुत अच्छा तरह से निभाया, सुप्रीम कोर्ट की जो साख थी उस पर लोगों को भरोसा हुआ। उन्होंने आज जो सुबह जो कहा येदियुरप्पा को कहा कि भैया आप कल 4 बजे तक अपना बहुमत साबित कीजिए, तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी, इससे जो गंदगी फैल सकती है वो रुकेगी, ये सबसे बड़ा इसका। सर, ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, अब इस घटनाक्रम के अंदर खास बात यह है कि अगर जैसे 7 दिन का समय अगर दिया जाता है तो बीजेपी अगर बहुमत साबित नहीं कर पाती तो कांग्रेस जेडीएस मिलकर सरकार बना सकती है 7 दिन बाद भी। लेकिन क्या कल 4 बजे किस आधार पर, क्या ऐसी उम्मीद है कि खरीद फरोख्त नहीं होगी या उनमें से टूट के आएंगे? बीजेपी के भी 2 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। देखो, ये पूरा जो मामला है, इस कर्नाटक में सरकार अगर कांग्रेस बनाती है या बीजेपी बनाती है तो ना बीजेपी को फर्क पड़ रहा है ना कांग्रेस को फर्क पड़ रहा है। ये एक संदेश देने का गेम है, मॉरल इन पॉलिटिक्स का है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को इसलिए उठा रखा है क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में मॉरल रखते हैं, बीजेपी मॉरल नहीं रखती। बीजेपी ने भी एक मॉरल देने का मैसेज देने के लिए किया है कि देखो इनके विधायक बिक रहे हैं और ये उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं जिनके खिलाफ लड़े थे, जिनसे इनके सैद्धांतिक मतभेद रहे। कर्नाटक में चाहे कांग्रेस गठबंधन के साथ सरकार बनाती है या बीजेपी अपना बहुमत सिद्ध कर देती है, इससे ना देश को और इससे ना कर्नाटक को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक मैसेज जो 2019, देखो दोनों पार्टियां जो लेके चल रही हैं वो अपना आंकड़ा लेके चल रही है 2019 का, 2019 से पहले मॉरल पॉलिटिक्स के लिए ये अपनी इमेज बनाने में लगे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा दावा खेला जो उन्होंने जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया ताकि वह ये दिखा सके कि नंबर जो है जेडीएस और कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी ने अपना दावा खेला कि हम इसलिए यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं क्योंकि मैंडेट हम लोगों को मिल गया, और कांग्रेस और जेडीएस दोनों सिद्धांतिक तौर पे विपरीत पार्टी है लेकिन ये सत्ता के लिए दोनों साथ आके लड़ रही हैं। दोनों गेम मॉरल का है। अब देखना यह है कि जिसकी सरकार बन जाती है वह यह सिद्ध करने के प्रयास करेगा कि हम मॉरल पॉलिटिक्स में सबसे आगे थे। कांग्रेस के विपिन बैसिल हमारे साथ में। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि लोकतंत्र बचाओ दिवस आप लोग मना रहे हैं, इतनी देरी प्रदेश के अंदर राजस्थान में क्यों हुई आंदोलन को लेकर आप मुद्दे उठाने में? और दूसरा सबसे बड़ा नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें देरी हुई। देखिए, कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया था कल जयपुर के अंदर, हमारे माननीय सचिन पायलट जी ने और पूरे जयपुर संभाग के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन हुआ है। कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके अंदर पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि फेज़ वाइज हर जगह पे ये हो रहा है, और जब फेज़ वाइज कोई भी चीज़ होती है तो उसका इम्पैक्ट दूर तक जाता है क्योंकि हर क्षेत्र से आवाज़ आती है। ये मैं आपके प्रश्न का जवाब दिया है। अब दूसरा देखिए, आपने कांग्रेस ने आज जो है डेमोक्रेसी बचाओ के लिए आज जगह जगह से आंदोलन किए, जयपुर में किए, कस्बे में किए, शहरों में किए, लेकिन कांग्रेस पिछले 1 महीने से इस प्रकार का बड़ा आंदोलन पानी को लेके, बिजली को लेके, आम आदमी को लेके नहीं करके आई है। वह कर्नाटक की बात कर रही है कि वह सत्ता की बात कर रही है कि हमें वहां सत्ता नहीं मिल पाई है, हमें वहां सत्ता चाहिए, लेकिन लोगों की आम जो परेशानियां हैं उसको लेके कोई ऐसा मैसिव स्टेट वाइज कोई आंदोलन 2 महीने से दिखा नहीं। ये सवाल तो बिल्कुल सही है। नहीं, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूं। आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए 10-15-20 दिन से, आप कंटिन्यूस देखिए। मैं बतलाना चाहता हूं, मैं अजमेर की बात करूं तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रकोष्ठों ने, विभागों ने क्रमवार आंदोलन चलाए हैं और आज ये देखिए काफी हद तक पानी की सप्लाई सुचारू हुई है। दूसरी चीज, आने वाले समय में हम पानी को लेके हम करना चाहते हैं एकाध आंदोलन। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि जब बिजली को लेके टाटा पावर अजमेर के अंदर आया था तो ऐतिहासिक बंद अगर कराया था तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कराए थे क्योंकि यहाँ की चीजत रेट सबसे ज्यादा कम है और उसको निजी हाथों में सौंपने के ऊपर। तो देखा जाए तो कांग्रेस आज जनता की आवाज बनके हर क्षेत्र में बोल रही है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। अगर कांग्रेस नहीं बोलती तो मैं सोचता हूं राज्य की सरकार
तानाशाही जो इनका रवैया है और ज्यादा पराकाष्ठा पे पहुंच जाता। कांग्रेस शनिवार शाम 4 बजे जब येदियुरप्पा बहुमत साबित करेंगे, फ्लोर टेस्ट देंगे, तो उसके बाद कांग्रेस के लीडरशिप को ये डर क्यों बना हुआ है कि कहीं ना कहीं, क्यों ऐसे तो हो नहीं सकता, अगर 7 दिन में बहुमत साबित नहीं कर पाती बीजेपी तो कांग्रेस 7 दिन बाद भी तो सरकार बना सकती थी ना जेडीएस के साथ। देखिए मुद्दा जो अभी जो खबर आ रही है वो ये भी है कि कांग्रेस के 7 विधायक बीजेपी के संपर्क में है, और जब कल फ्लोर टेस्ट होगा तो हो सकता है उसमें कांग्रेस के 7 विधायक भी करें। देखिए मैं सबसे पहले इन चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस चीज को ये इसलिए कह रही है क्योंकि देखा जाए तो आज के दौर के अंदर, या कह रहे हैं कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है या इनकी कई क्षेत्रवार सरकार है उसके अंदर एक तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, पॉलिसी पैरालिसिस से देश गुजर रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देख लीजिए, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो कर्नाटका के अंदर हुआ, कर्नाटका के अंदर सीधा सीधा लोकतंत्र का हनन हुआ। क्या लोकतंत्र का हनन? बैसल साहब एक चीज है, आपने कर्नाटक के चुनाव हुए उसके लिए आप आंदोलन भी कर रहे हैं और सरकार बनाने का, आपको नहीं लगता आंकड़े देख के कि कर्नाटक की जनता ने आपको मैंडेट विपक्ष में बैठने का दिया था, उसके बावजूद भी आप जो है अपने विपरीत सैद्धांतिक रखने वाली पार्टी के साथ मिलके आप सरकार बनाने के लिए क्यों इतना ज्यादा प्रेशर हो गया? चुनाव से पहले गठबंधन की घोषणा नहीं करी थी? इसको आपको थोड़ा सा मुझको विस्तृत सुनना पड़ेगा। जब भारतवर्ष ने मोदी जी को पूरे जनादेश दिया तो मोदी जी के जितना भी वोट पड़ा था उसका मात्र 30% वोट मोदी जी के पास था, 70% भारत उनके विपरीत था, विमुख था, और वो वोट चूंकि विभाजित मतलब अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में उसमें बंट गया, मगर 70% भारत मोदी के साथ ना तब था ना आज है। दूसरी चीज कर्नाटक के अंदर ऐसे ही हुआ, कर्नाटक के अंदर एक करोड़ 30 लाख वोट तो पड़ा है बीजेपी को और 1,36,00,000 वोट पड़ा है कांग्रेस को, पर हमें सीटें नहीं मिली, सीटें नहीं मिली, मगर वोट परसेंटेज आज भी हमारा है, और वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देखते हैं तो कांग्रेस के पास में जनादेश ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर, जेडीएस और हम लोग मिलकर, पहली चीज तो सेकुलर पार्टीज है, क्या हमने ही कभी देवेगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री बनाया था? आज जब हम मिलके माननीय गवर्नर साहब के पास जाते हैं तो देखा जाए तो ही शेमिंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ठीक है ना। और दूसरी चीज उनको, चूंकि हम बड़ी पार्टी हैं, बाकी जगहों के अंदर तो देश के अंदर ऐसा हो रहा है, चाहे मिजोरम हो, चाहे गोवा हो, वहां पर तो आपको बुलाया जा रहा है, यहां पर जब हम अपना बहुमत पेश कर रहे हैं आपको बुलाया नहीं जा रहा, तो ये कैसा लोकतंत्र के साथ आप कुटाराघात कर रहे हैं? सर ये कोई नई बात तो है नहीं कि कांग्रेस मतलब कोई राज्यपालों को है ना, मतलब जो सत्ताधारी दल होते थे उन्होंने कभी यूज नहीं किया, ये तो लगातार पिछले कितने सालों से होता आ रहा हमारे देश में, लेकिन ऐसा क्या नया हो गया इस बार कि राज्यपाल का, जब इस तरीके से राज्यपाल ने कॉल करा किसी को तो इतनी आपत्तियां क्यों हो? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि इस गवर्नर के ऑफिस का दुरुपयोग कांग्रेस ने भी अपने जमाने में, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने किया, 356 का दुरुपयोग किया, उसने कई सरकारें बर्खास्त की। इनफैक्ट जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त किया गया, जबकि उनका कोई लेने देना था नहीं, ये एक अलग बात है। अब बात ये है कि कांग्रेस के पास मैंडेट है या नहीं है, कांग्रेस को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए किसी भी सरकार को बनाने के लिए जब गवर्नर इन्विटेशन देता है किसी भी नेता को तो उसमें 3 चीज़ें वो देखता है, एक तो स्टेबिलिटी, दूसरा नंबर, तीसरा ये देखता है कि क्या ये सरकार 5 साल तक काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब येदियुरप्पा का पिछला अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो पिछले येदियुरप्पा जो बीजेपी की सरकार रही तो वहाँ 3 बार येदियुरप्पा मुख्यमंत्री, मतलब ही वॉज दिस गवर्नमेंट कुड नॉट कंटिन्यू फॉर 5 ईयर्स। तो स्टेबिलिटी की बात अगर येदियुरप्पा के साथ देखा जाए तो नहीं जुड़ती। अब ये कह रहे थे कि साहब बेमेल की शादी हो रही है जेडीएस और कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है बीजेपी और पीडीपी की, बीजेपी ने हमेशा
पीडीपी को ये कहा कि दे आर बी टीम ऑफ टेररिस्ट्स, मतलब वो जो सरकारें हैं, वो सरकार जो है वो हमेशा प्रो टेररिस्ट रही है, मतलब उसने हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट किया। जब आप वहाँ पर एक ऐसी पार्टी से सरकार हाथ मिला के सरकार बनाते हैं, क्योंकि आपको सरकार बनानी है, तो आपको कोई कुछ नहीं कहता, मतलब वहाँ आपकी सारी मोरालिटी, सारी चीज़ें एक तरफ हैं, और आप यहाँ पर कह रहे हैं जेडीएस को कि जेडीएस बीजेपी के साथ जाती तो जेडीएस अच्छी होती, अगर यही जेडीएस बीजेपी के साथ चली जाती तो बीजेपी वाले क्या कहते, वो कहते कि नहीं साहब हमारा तो बिल्कुल देश के लिए है, मतलब ये राष्ट्रवाद को लेके हर चीज़ पे इनके साथ इनके खिलाफ कोई अगर आदमी है तो वो देश की खिलाफत कर रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि जेडीएस और कांग्रेस आए तो बीजेपी को प्रॉब्लम हुई। अब दूसरी बात आप बता दूँ कि ये साइकोलॉजिकल एक तरीके से गेम चल रहा है जिसमें बीजेपी कांग्रेस को पटकनी देने की सोच रही है और कांग्रेस बीजेपी को, ये एम जो है वो 2019 का है, अगर बीजेपी कर्नाटका में सरकार अगर कर्नाटका में गिरती है बीजेपी की, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के लिए बड़ा भारी होगा अपने आप को डिफेंड करना कि उन्होंने माइनॉरिटी होते हुए सरकार क्यों बनाई, और ये मैसेज चला जाएगा पूरे देश में कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को डेसिमेट कर रही है, और ये विंडिकेट करेगा कांग्रेस के स्टैंड को कि बीजेपी जो है मोरालिटी के खिलाफ जाकर देश में काम कर रही है और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन खराब कर रही है। ये जो चीज़ें हैं, ये कल का जो फैसला होगा ये बड़ा एक तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में वाटरशेड होगा कि कौन सी राजनीति चलेगी। देखिए बात अगर बीजेपी के या कांग्रेस के विधायक टूट के जा रहे हैं, ये बीजेपी या ये कहें कि जो हमारे संचार माध्यम, प्रचार माध्यम जो भी हैं, एक साइकोलॉजिकल वो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आपके टूट गए, आपके नहीं टूटे। अब कहने को कल ये था कि आज दो बीजेपी के विधायक चले गए, कल ये कह रहे थे कि साहब ये कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा ही दे दिया, आप कह रहे हैं कि जेडीएस के दो विधायक गायब हो गए। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, अल्टीमेटली होगा वही जो फ्लोर पे होगा, और फ्लोर पे अगर सारे विधायक एक साथ रहते हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक टूटते हैं और वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। सर इसमें एक बहुत खास बात है कि येदियुरप्पा एक ऐसे मंत्री हैं, ऐसे नेता हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति के अंदर जो चावल मिल में पहले क्लर्क रहे, फिर किसान नेता बने, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, पार्टी बंद करके बीजेपी के साथ में, और कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, और अगर कल येदियुरप्पा सरकार अपनी बना लेते हैं तो बहुत कर्नाटक की जनता का फैसला है वो क्या करते हैं। वो कुमार स्वामी का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा, कांग्रेस अगर कुमार मान लीजिए येदियुरप्पा फ्लोर टेस्ट पास नहीं कर पाते और जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनती है तो कुमार स्वामी का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा चाहे बीजेपी के साथ, तो ऐसा क्या होगा कि कुमार स्वामी वापस से कांग्रेस के साथ वो स्थिति नहीं करेंगे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ करी थी। देखो कर्नाटका का जो चुनाव है या जो भी समर चल रहा है वो इसलिए नहीं चल रहा कि वो सरकार कौन बनाएगा, आप अगर इसका और विश्लेषण करोगे, आप एनालिसिस करोगे तो इसमें देखोगे कि इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने किया, और दोनों के धुआंधार प्रचार करने के बावजूद कर्नाटक की जनता ने दोनों को नकार दिया। इन दोनों बड़े नेता, बड़े शख्सियत, दोनों पार्टी की शख्सियतें, इनको नकारने को ये दोनों पार्टियां ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बात यहाँ पे येदियुरप्पा की या कुमार स्वामी की नहीं है, बात यह है कि बीजेपी भी ये शो करना चाहती है, ये स्थापित करना चाहती है कि कर्नाटका हमने नरेंद्र मोदी के प्रचार से जीता, और कांग्रेस भी इसी जुगाड़ में, क्योंकि राहुल गांधी का पहला चुनाव प्रचार था अध्यक्ष बनने के बाद, कांग्रेस भी यह स्थापित करना चाहती है कि हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेता ने यहाँ पे चुनाव प्रचार किया है जब जाके हमारी कर्नाटक की सरकार बन गई। तो ये लड़ाई येदियुरप्पा कुमार स्वामी या स्थानीय नेताओं की अब नहीं रही है, ये लड़ाई जो है शीर्ष नेताओं की बन गई है, क्योंकि ये पहला चुनाव ऐसा है जब नरेंद्र मोदी का असर नहीं दिखा, वहां की जनता ने हैंग गवर्नमेंट इनको असेंबली लाके खड़ी कर दी है कि ना हम तुम्हें पूरा चाहते हैं ना हम तुम्हें पूरा चाहते हैं, लेकिन
दोनों पार्टियां अपने शीर्ष नेताओं की इज्जत बचाने के लिए, इसको कहा जा सकता है इज्जत बचाने के लिए, वहां पे अपनी सरकार स्थापित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं शीर्ष नेताओं की। ये सवाल सीधा सा कांग्रेस से ही होता बिल्कुल है। मैं एक बात देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव की जो पिछली आपकी सरकार थी उसमें आपकी सीटें बहुत ज्यादा थी और अब वो सीटें कुल मिला के 77 जाती है, 77 रहती है, एक विधायक आपका गायब है। तो बीजेपी 40 पे ही थी और बीजेपी ने एकदम से इतनी बढ़ोतरी करी, आपको नहीं लगता भले ही आपके वोट आपके ज्यादा हो? देखिए मैं आपको वापस से एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने जो बात बोली है सबसे इम्पोर्टेंट, बीजेपी को बकलाहट है। उन्होंने एक शब्द होता है जिसे मुझे मीडिया पे बोलना नहीं चाहिए कि उन्होंने हर तरीके के वहां पर प्रयास किए, उसके बाद भी उनका वोटिंग परसेंटेज गिरा। नरेंद्र मोदी जी हर संसदीय भाषा का वहां पर प्रयोग किया, उसके बाद भी उनको जो सीटें मिलना चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसे मैजिक फिगर होता है 112 नहीं मिल पाया। वहां पर जीत हुई है सेक्युलरिज्म की, जो इस संविधान की इस देश का एक बहुत बड़ा पिलर है। वहां पर लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, सेकुलर फोर्सेस को, जेडीएस को दिया तो सेकुलर फोर्स को दिया। ओवरऑल देखा जाए तो वहां पर सेकुलरिज्म की जीत हुई है और उससे बीजेपी बखलाई हुई है। ठीक है सर, अभी अपन दो दिन पहले ही अपन बहुत चर्चा कर रहे थे नतीजों के ऊपर, कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि राजस्थान के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर पश्चिम भारत के बहुत सारे लोग हैं और चुनाव के दौरान वो वापस से वोट देने के लिए आते हैं, और ऐसे में हम देखेंगे कि अशोक गहलोत बराबर लगे हुए थे, लेकिन इस पूरे के पूरे यानी कि इस पॉलिटिक्स के अंदर जो दांव पेच खेले, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कांग्रेस गई, जेडीएस भी गई, बीजेपी ने सोचा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक चली जाएगी, तो ये राहुल गांधी का डिसीजन माने या फिर हम सोनिया गांधी समझे? नहीं, इस पर मैं बोलता हूँ आपको। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, राहुल जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं, हमारे पीछे देयर इज अ बैटरी ऑफ पीपल दोज आर वर्किंग टायरलेसली फॉर कांग्रेस। दूसरी चीज, हमको इसलिए जाना पड़ा क्योंकि एसआर बोम्मई का एक रूलिंग है, जैसे ही जो भी जिसको भी आप बुलाते आपको अपना वहां पर शो करना पड़ेगा मेजोरिटी को, आप जब करेंगे नहीं तो बट नेचुरली हमको शीर्ष अदालत के पास जाना पड़ेगा, वही शीर्ष अदालत जिसने कुछ दिन पहले निर्णय दिया था किसी एक जगह पर जब सरकार बन रही थी, तो बट नेचुरल हमारा वहां जाना पड़ता है जरूरी। लेकिन उसमें एक चीज है, उसी उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गए जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये उसके लिए महाभियोग लाने वाले थे। इसमें एक चीज है कि ये बात कर रहे हैं हमें सेक्युलर को जीत ला के दे दी, लेकिन इनको सबसे ज्यादा डर क्या है कि हमारे विधायक बिक नहीं जाए। इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिसके बारे में ये जीतने के बारे में मानते हैं कि ये लोग बिकने वाले हैं, ये मान के चल रहे हैं। तो इसी कारण अगर फ्लोर टेस्ट के लिए बोला था, अगर गवर्नर ने गलत काम किया था तो कहते ठीक है गवर्नर ने मना दी हम फ्लोर टेस्ट में शुरू कर देंगे, लेकिन इनको सबसे ज्यादा डर ये था कि हमारे लोग ही बिकने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे लोग ही हमसे टूटने। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जल्दबाजी क्यों थी कि सुप्रीम कोर्ट जाना ये जाना, क्योंकि उनको ये इंडिकेशन आ चुके थे। बिल्कुल ये सवाल तो सीधा सीधा कांग्रेस से ये सवाल बिल्कुल बनता है कि देखे कहीं ना कहीं आपको अपने विधायकों के बिकने। देखिए अब मैं इसमें एक बिल्कुल देसी जुमला बोल के बात बोलूंगा कि नहीं मेरे कितने बाल सामने आ जाएंगे। कल का समय दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं और कल सामने आपकी स्थिति हो जाएगी और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको फिर टॉक शो कंडक्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों को बुलाया जाएगा सरकार बनाने के लिए। सुशील जी कल अगर येदुरप्पा अपनी मेजोरिटी सिद्ध कर देते हैं तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? हाँ मैं उसमें आपको एक चीज बताऊं, हमने लड़ाई लड़ी, बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी, और लोकतंत्र के अंदर जो स्टेप्स फॉलो करना चाहिए वो कांग्रेस ने फॉलो किए। हमने लोकतंत्र के साथ कुटाराघात नहीं किया, लोकतंत्र का हनन नहीं किया, हम वो बात मांग रहे हैं जो लोकतंत्र की प्रस्तावना के अंदर है, संविधान के अंदर तो लिखा हुआ है। ये जो अभी कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि उसके विधायक टूटेंगे नहीं टूटेंगे, मेरा एक जो मैं जो इस चीज को देख रहा हूँ ये कि बीजेपी के विधायक भी टूट सकते थे अगर कांग्रेस प्रयास करती तो, लेकिन प्रयास तब करते हैं कोई भी जब आपको पहली बारी मौका आपको मिला, मेजॉरिटी प्रूव करना आपको आपका काम है, ठीक है। अगर यही मौका कांग्रेस को दे देते तो कांग्रेस भी तोड़ फोड़ कर सकती थी, बीजेपी के विधायक भी टूट सकते थे, बीजेपी को फिर अपने लोगों को एक रखने में भी बीजेपी को भी यही सब मशक्कत बीजेपी ने आगे आगे पहले किया है, झारखंड में किया है,
उसके सारे के सारे एमएलएज को लेके वो साउथ में चले गए थे। इसके अलावा जयपुर में भी इन्होंने किया है। तो बीजेपी ऐसा नहीं कि देखिए राजनीति में वैसे अगर ईमानदारी की बात करें तो कोई नहीं है, इनके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स हैं वो ही यहाँ तक तो डूबे हुए हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो हमें बीजेपी के विधायकों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रीजन ये था जो मैजिक फिगर 112 है वो ऑलरेडी हमारे पास में जेडीएस के साथ मिलके था। लेकिन इसमें एक चीज है यार कि अगर कांग्रेस को ये लगता है कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं मिला, आपने गोवा में अपना क्लेम क्यों नहीं किया गवर्नमेंट बनाने का? ये बात तो सही है, गोवा में आपने क्लेम ही नहीं किया। देखिए गोवा में क्लेम नहीं किया, हम जब तक पुटअप करना चाहते थे उन्होंने वहाँ पर जो गठबंधन के जो अलायंस हो रहा था उसको गवर्नर ने बुला लिया था, और यही कि यही परिपाटी उन्होंने वहाँ पर रखी और कांग्रेस को मौका नहीं दिया सरकार बनाने का। कल सर ऐसा भी तो सकता है शनिवार को कुमार स्वामी अभी कांग्रेस के साथ में हो सकता है, कल बीजेपी के साथ चले जाएं, ये भी तो हो सकता है। अब वो स्थिति बहुत आगे निकल गई उसके, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो ये है कि कुमार स्वामी, देखो कुमार स्वामी अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनको चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी बनाएगी नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बना सकते ना सर, वो पहले वाली बात को सकते ना। इसमें एक चीज है, जब जेडीएस है उसका वोट बैंक देखा जाए तो कर्नाटक ही है, और कर्नाटक में अगर जेडीएस कांग्रेस के साथ आती है तो कांग्रेस का वोट बैंक भी वही है, यानी जेडीएस अपना अस्तित्व आने वाले चुनाव में अपना अस्तित्व खो देगी क्योंकि उसका वोट बैंक कांग्रेस में मिलने वाला है। देखिए इस बात में मैं ये कहूँ आपको कि ये सरकार कर्नाटका में बनेगी, कितने दिन चलेगी इसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जो लड़ाई जो चल रही है वो ये है कि 2019 में अगर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फ़ायदा उनको है, सरकार अगर बनती है तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपस्टोन होगा आगे बढ़ने के लिए कि भाई वो 2019 का जो लोकसभा का जो चुनाव होगा जनरल इलेक्शन उसमें ये दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो ये अपने वोट बैंक को ट्रांसफर भी करवा सकती हैं और सीटें ज़्यादा जीतने की संभावना है। कुल मिला के ये जाकिर साहब की जो लोगों ने चुना है वो चिंता ये नहीं है कि कर्नाटक को बेहतर सरकार कौन दे, चिंता दोनों पार्टी को और रीजनल पार्टी को ये है कि 2019 का खेल कैसे खेला जाए। देखिए पूरे देश में ये सब चल रहा है, पिछले मैं तो पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री और अमित शाह को चुनावी मोड में ही देख रहा हूँ। पंचायतों के चुनाव तक में अगर प्रधानमंत्री कैनवसिंग करने के लिए चला जाए तो इससे ज़्यादा तो क्या बात कर सकते हैं, मतलब आप पंचायत स्तर के चुनाव भी प्रधानमंत्री के फेस पे लड़ रहे हैं आप। तो ये देखिए अभी जो सिनेरियो, अब चाहे छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, 2019 से पहले पहले चुनाव होंगे, आप ये देख लीजिएगा कि जो भी ये लोग करेंगे वो सब 2019 के इलेक्शंस को लेके होंगे। यहाँ भी सरकार उसी तरीके से बनाने की कोशिशें होंगी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो नरेंद्र मोदी के साथ समस्या ये है कि वो जिस आंकड़े को छू चुके हैं उसको दोबारा छूना उनके बस की है नहीं, क्योंकि जो उनका वोट बैंक या जो भी उनका जो मैक्सिमम सीट एरिया था वो पूरा कर चुके। अब उनको अब या तो अपने फिगर्स को बचाए रखना, और अगर उससे नीचे अगर वो जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। इसलिए नरेंद्र मोदी तमिलनाडु को अच्छी सरकार मिले या कांग्रेस को अच्छी सरकार, राजस्थान को अच्छी सरकार मिले या मध्य प्रदेश, इसकी चिंता नहीं है, दोनों पार्टियों को नहीं है अभी तो नहीं। तो सर कर्नाटक जो चुनाव के नतीजे रहेंगे ये हमारे राजस्थान के चुनाव में कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि हम ये सुना देखिए कर्नाटका का चुनाव तो अब हो गया है, ठीक है, जो भी यहाँ इन 3-4 दिन से जो घटित हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि भाई अब जनता इस चीज़ को ले चुकी है कि नेता तो ऐसे ही करेंगे। नहीं उसका इम्पैक्ट लेकिन बिहार मेघालय गोवा में ही पड़ रहा है सर। नहीं, इसके ऊपर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कर्नाटका के अंदर प्रो इनकम्बेंसी थी, और आज राजस्थान का आप सिनेरियो देखेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से हावी है कि ये सरकार जो आज के समय पे है वेंटिलेटर पे चल रही है, इसको तो जाना ही तय है, और कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनाएगी। कांग्रेस सरकार इसलिए बनाएगी क्योंकि लोग बीजेपी से खफा हैं। नहीं खफा क्यों है, इसको वो नहीं लाना चाहते, बीजेपी को हटाना। ऐसा है, ऐसा हुआ जब पिछली बार सरकार हमारी गई तो इसलिए नहीं गई कि हमने काम नहीं किया,
ऐसा कोई सी भी योजना देख लीजिए, पिछली सरकार तो आपकी बहुत भ्रष्टाचार के कारण गई है। नहीं, मैं राजस्थान की सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहली चीज, दूसरी चीज, आज आप देश के अंदर देख लीजिए सिनेरियो क्या है, जितने भी प्रोमिसेस किए थे ना मैनिफेस्टो के, शायद ही पूरे किए हों। आज अर्थ बिना सब कुछ व्यर्थ है। आप जीडीपी देख लीजिए, ऑन द मुंह गिर रहा है। नोटबंदी से मझोला इंडस्ट्रीज बुरी तरह खत्म हो गई है। इन्होंने जो वादे किए थे 370 हटा देंगे, जॉब क्रिएशन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन एक बात बताइए ना, कांग्रेस इन मुद्दों को उठा क्यों नहीं पा रही जिस तरीके से उठने चाहिए। यानी कि आज देखिए, एक चीज को आप समझने की कोशिश करिए कि ग्राउंड के ऊपर हो क्या रहा है, कि आज नौकरी नहीं है बेरोजगार के बाद, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, नौकरी नहीं है, दवाइयां नहीं है, सड़क नहीं है, और स्मार्ट सिटी की भी अगर बात करें, 100 स्मार्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनी। हाँ, सोर्स आप स्मार्ट सिटी की अजमेर का हाल देख लीजिए, आज तक की कागजों में चल रही है। क्यों कांग्रेस उस मुद्दे को क्यों नहीं, नहीं, नहीं कांग्रेस हर फ्रंट के ऊपर इन मुद्दों को उठा रही है। मुझको कारण लगता है कि जो कांग्रेस है, इन नेताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, और इनका अभी भी जो है ना सत्ता मोड, जैसे बीजेपी का विपक्ष मोड उतरा नहीं है ना, वैसे कांग्रेस का सत्ता मोड नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस बहुत बहुत अच्छे फ्रंट्स को, ये मुद्दे नहीं उठाने का सबसे बड़ा, कांग्रेस के पास डिमोनेटाइजेशन है, महंगाई का मुद्दा है, जीएसटी है, स्मार्ट सिटीज नहीं बनी, किसानों का फार्मर्स डिस्ट्रेस है, सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। कांग्रेस को सड़कें जाम कर देनी चाहिए थी अब तक, लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या ये कि वो सारे के सारे एफर्ट्स कर रही है वो हाफ हार्टेडली, यानी कि जब चुनाव के एक महीना रहता है तो कांग्रेस जागती है और कांग्रेस लेके झंडे खड़े रहती है, मगर अगर कांग्रेस इन मुद्दों को अगर उस लेवल पे उठाने की कोशिश करेगी तो ये मुद्दे तो बहुत बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के लिए, आम आदमी से जुड़े हुए। तो ये अब क्यों नहीं उठा रहे हैं ये कांग्रेस नेतृत्व? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये सच है। ये देखिए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये हकीकत है कि अभी तक 4 साल हो या प्रदेश में मुख्यमंत्री का शासन हो, यानी कि किसानों को आज भी जो ऋण माफी की घोषणा हुई वो आज तक नहीं हुआ, और वो भी एक तरीके का बिल्कुल ये है कि 50,000 रुपए का क्रेडिट और दिया जाता है। ये बात है कि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े थे यूपीए के सरकार में, तो ये लोग, इनके नेता बैलगाड़ियों में आके अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लोगों को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन पिछले आप साल भर से देखोगे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनकी तरफ से एक रैली, साइकिल रैली जो है सचिन पायलट के नेतृत्व में अजमेर में निकली थी, वो भी चुनाव के वक्त, उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त निकाली गई थी। नहीं देखिए, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे पेट्रोलियम के दाम बढ़े हों, उस वाले मुद्दे हों, हमने हर इशू के ऊपर, हर मोर्चे के ऊपर विरोध प्रकट किया है, और उसके विरोध के कारण ही मुख्यमंत्री जी को राजस्थान की कहना पड़ा कि भाई हम लोग इनके ऋण माफ़ करेंगे, ठीक है, 50,000 रुपए की उनके घोषणा करी कि भाई इतने माफ़ करेंगे और ऐसे माफ़ करेंगे। दो तीन अभी आनन फानन के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि दो तीन योजना लॉन्च करी, वो सारी की सारी किस लिए? कि कांग्रेस विरोध प्रकट कर रही है और मुखर तौर पर कर रही है। कांग्रेस इसके लिए तैयार है, विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही है, लेकिन 2019 और 18 यानी कि 18 राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव जो होने हैं उनके नतीजे क्या होंगे, शनिवार को शाम 4 बजे फ्लोर पर कौन टेस्ट पास करेगा, येदियुरप्पा अपनी सरकार बनाएंगे या कांग्रेस जेडीएस मिलकर दोनों अपनी सरकार वहां पे बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज की चुनावी चर्चा में केवल इतना ही।